कपिल शर्मा शो। पाजी, लाइफ में पावर का होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, आदमी पावर में हो सरकार चला लेता है। हाँ। नहीं तो आप सब्जी का ठेला नहीं चला सकते। हाँ। उसके लिए भी आपको म्युनिसिपैलिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ। और अगर परमिशन नहीं है। हाँ। तो फिर सामान लेके दौड़ने की पावर होनी चाहिए। और उसमें भी पहले नंबर पे आना चाहिए। आप देखें जो ठेला वगैरह लगाते बेचारे। हाँ। दुकान से जाने में एक घंटा लगाते हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटी गाड़ी थी चारों कोनों से एक सेकंड में आगे निकलते हैं। क्योंकि अगर नहीं निकले तो फिर वो पीछे से पकड़ते, एक मुट्ठी बाल के साथ सामान जब्त करते हैं आपका। अब देखो वोटर में कितनी पावर है। हाँ। एक उंगली से वो किसी भी नेता का भविष्य तय करता है। बिल्कुल। उसके बाद नेता दूसरी उंगली दिखाता है फिर उनको। अच्छा पाजी, प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं होता देश में। नहीं। एक बंदा होता है। कौन? जीजा अपने ससुराल में। वो कोई सा भी बिल पेश करे वो पास होना ही है। हाँ। क्योंकि ससुर को भी पता है कि अगर इस कमबख्त को दूध नहीं पिलाया ये हमारी बेटी को खीर नहीं देगा। अच्छा प्रधानमंत्री तो फिर भी 5 साल बाद उतर जाते हैं, इसकी तरक्की होती रहती है। जीजा से फूफा बन जाता है, फूफा से तो फिर मामा ही बन जाता है ना। इसी तरह हमारे यहाँ पे जो उम्र में सबसे बड़ा होता है ना उनको बड़ी इज्जत दी जाती है, लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं अपनी उम्र की पावर का ना नजायज फायदा उठाते हैं। कैसे? गैस खुद के पेट में होती है। हाँ। सब्सिडी सबके बीच में छोड़ जाते हैं। हर चीज में पावर की एक लिमिट होती है। हाँ। अब स्कूटर है 2 सीटर है। हाँ। लेकिन हम लोग उसे 8 सीटर बना देते हैं। अपनी कैपेसिटी स्कूटर खुद नहीं डिसाइड करता है, फैमिली डिसाइड करती है। जिनके 4 है वो 4 बैठेंगे, जिनके 8 है 8 बैठेंगे। हाँ। कभी आप देखना जो लड़की अकेली स्कूटर चलाती ना। हाँ। जो अकेली लड़की स्कूटर चलाती उसका स्कूटर बड़ा खुश होता है, उसकी आवाज भी ऐसे आती है ना, स्कूटर बड़ा खुशी खुशी जाता है ऐसे। लड़की ने कान पकड़े होते स्कूटर एंजॉय करता जाता है। दूसरी तरफ हम जैसे लोग, बाप ने तो कान पकड़े होते हैं, बीच में से एक 8 साल का बच्चा यूं घुस के उसकी गर्दन पकड़ लेता है। गर्दन पकड़ दो वही स्कूटर का मुंह टेढ़ा हो जाता है उसका मुंह। उसको पता है मेरा बेड़ा गर्क होने वाला है। अच्छा उसके बाद 80 किलो का बाप ऊपर बैठा हुआ है। फिर 16-16 किलो के 2 बच्चे लेके 90 किलो की बीवी पीछे बैठती है। उसके बाद स्कूटर की जान निकली होती बाजी। आवाज फिर वो फिर जब लेके जाता ना फिर रास्ते में तंग करता वो। फिर जैसे ही फैमिली सारी निकलती ना लेके स्कूटर चलाता मत कर मत कर मत कर, तो जब जाता है। अच्छा फिर स्कूटर अपना बदला तब लेता है जब रेड लाइट आती ना। कैसे? फिर वहां पे खड़े हो गए। हाँ। फिर जैसे ग्रीन लाइट हुई ना ऐसे क्लच स्कूटर वही बंद करता मना करता है वो। फिर पहले बच्चा उतरा, फिर बाप उतरा, फिर बीवी अपने 2 बच्चों को लेके उतरी। उसके बाद स्कूटर को टेढ़ा करते हैं, फिर किक मारते हैं। मैंने लड़की का स्कूटर बताया ना पिच करके जाता है। हाँ। तो ये मना कर रहा होता है, इसको किक मारता है फट 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 फट। तो ये स्कूटर की अपनी लैंग्वेज में गालियां होती है, हाथ तरह को कीड़े पड़ेंगे फट फट फट। उसके बाद ये स्टार्ट होता है। तो फिर सारे जैसे जैसे बैठते हैं, जैसे बैठने लगते हैं लाइट फिर रेड, फिर जब ग्रीन हुई फिर क्लच डाला, फिर करता पक। अच्छा उसके बाद फिर दूसरी बार फैमिली रिस्क नहीं लेती, जैसे पता चला ना ग्रीन लाइट हुई है बंद होगा फिर फटाफट स्कूटर लेके ना पैदल ही सड़क पार कर देते, बीवी भी 2 बच्चे लेके ना। अच्छा पाजी, शादी के वक्त दूल्हे को पावर ही तो दिखाते हैं कि चल हम सब तेरे साथ हैं, बैठ घोड़ी पे तू। हाँ। शहनशाह तू हो जाए सही। आवाश आवाश मेरा शहनशाह। हाँ। और दूल्हा भी शहनशाह बन के बैठा होता है। हाँ। गाना बज रहा है जी मो जान शहनशाह। हाँ। 40 लोग नाच रहे हैं। हाँ। अच्छा शादी के कुछ साल बाद ही देख लो ये शहनशाह जो ना नाभि के ऊपर तौलिया बांध के ना पतीला लेके दूध ले रहा था बाहर। फिर ये शहनशाह की हालत क्या होती है, एक पाव और डाल दे साला भी आया हुआ है। अच्छा हस्बैंड से ज्यादा पावरफुल कॉकरोच भाजी, बीवियां ऐसे देख के भागती जैसे अपने मुंह में मूछें देख लियो। बड़ा ये सही भगवान ने चीज बनाई है भाजी। आजकल तो मोबाइल आ गए ना, आपके हाथ में पावर है, आप कुछ भी संदेश किसी को 7 समंदर पार भेज सकते हैं। पहले नहीं होता था, पहले कबूतर भेजते थे। हाँ। कबूतर के हाथ में संदेश आया, उसको अगर अच्छी कबूतरी मिल गई वो अपना हनीमून वगैरह मना के आता था। और अगर मामला हो कि एक टीले से दूसरे टीले तक भेजना है ना, तो पहले राजा महाराजा तीर भी करते थे, वो तीर में से कपड़ा लटका के ना उस पर संदेश लिख के करके ऐसे मारते थे। हाँ। फिर सामने दूसरे तरफ से तीर के जवाब आता था। हाँ। कि तेरी तीर से हमारी अम्मा मर गई और तेरी मैया की बारी। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर हमें उड़ने की पावर होती। हाँ। मतलब जहाज नहीं, खुद आदमी उड़ता। अच्छा। हाँ, जो ऊपर उड़ रहे हैं उनका तो ठीक है, नीचे जो घूम रहे होते हैं उनकी शामत आ जाती। हाँ। आजकल तो कौवे बीट करके जाते ना। हाँ। नहीं तो फिर गुटखे आते, पान आते। और नीचे खड़े वाले बोलते हैं पक्का दुबे जी होंगे। तो बी बोले खबरदार हमारे हस्बैंड के ऊपर तोहमत लगाई, तो अपने रिंकू को संभालो, उसको बताओ उसने कल क्या किया, उसको डायपर पहना के उड़ाया करो।
फिर लोगों की प्रॉब्लम कैसी होती? हाँ, मैं क्या बताऊँ, कल पप्पू के पापा तो उड़ते उड़ते पंखे पर बैठ गए, हमको पता न चला, हमने स्विच दबा दिया। वो तो शुक्र है मिश्रा जी लंगोट के पक्के हैं, बच गए। फिर दूसरी एक अम्मा बताती, अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारा बुढ़ाऊ तो पतंग से कट गया है। कितनी बार कहा है जब पतंग का सीजन ना उड़ाकर यहाँ से मुंह कटवा गया है। एक दिन तो कच्चा कट गया, आगे पीछे पतंग लगा के आए। अच्छा, थैंक यू। फिर शादी के कार्ड कैसे आते छप के ना, कि कल शाम बारात 7 बजे सुभाष चौक से उड़ के ताल कटोरा में उतरेगी। खबरें कैसी कैसी आती, मौसम बागड़ी की चेतावनी आती, आज तेज हवा चलने की संभावना है, लुंगी वाले कृपया ना उड़े। काले बादलों के पीछे दो प्रेमी युगल पकड़े गए, 3 मनचलों को देर रात पुलिस ने आसमान से नीचे उतारा, वो शराब पी के लोगों घर पे उल्टियां कर रहे थे। ऐसे ही सोचने को कुछ भी सोच लो। हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई पावर मिल जाए तो आप उसका क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी, ये शर्ट पे आपने धनिया छिड़का के, मेरे को लग रहा है। अच्छा, प्रिंट है। जी भाई साहब। सर, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा जी। मेरा नाम राजकुमार है। सर, मुझे सबसे पहले ऐसी पावर चाहिए कि मेरी वाइफ मेरी सारी बातें माने। सर, ऐसी पावर नहीं बनी। नहीं सर, बनानी पड़ेगी सर। तो बीवी को आप मनाना चाहते, कोई बात मान ले, ये है सर, एक ही है सर। तो ऐसी कौन सी बात है भाभी जी जो आप इनकी नहीं मानती हैं? सर, जिस दिन छुट्टी हो, एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन मैं कहता हूँ कि भाई मेरी पसंद का खाना बना दे। अच्छा। कहती है कि बाहर से लेके आओ। जिस दिन सैलरी आती है, उस दिन कहती है एटीएम कार्ड दे दो। सर, आप देखिए, इसकी एक ही मतलब, जो जितनी भी फ्रेंड्स हैं, जी, एक फ्रेंड अच्छी है सर, मैं कहता हूँ मिलवा दे। नहीं, ये आपकी मुझे इंटेंशंस ठीक नहीं लग रही है। अच्छा मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे पतियों को अपनी बीवियों की सहेलियां बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, कब आ रही है भाई, लेके आओ कभी। औरतों को अपने पति के फ्रेंड अच्छे क्यों नहीं लगते? उनकी 10 खामियां पहले ही बता देंगे ताकि उनसे मिलने में इंटरेस्ट ही ना रहे। इसको ये लगता है कि women is always right। हाँ, तो आपको नहीं पता था? That's true, sir, that's true। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है सर। ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा ही होता है। इसने मेरे घर को संभाला हुआ है सर। जी बिल्कुल। ये सुबह मतलब 9 to 6 की जॉब करती है, उसके बाद घर पे भी आती है, खाना बनाती है, सब कुछ करती है। मेरी एक 5 साल की बेटी है, उसको भी संभाला हुआ है। आपको सल्यूट है मैम। आप ये सच में, हम लोग हंसी मजाक जितना मर्जी करें, लेकिन जो आप जिम्मेदारियां औरतों को भगवान ने दी है, आप कर भी नहीं सकते। हाँ, नहीं कर सकते। हाँ, तो शिकायत कर रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं मानती। क्यों माने आपकी बात को? चलिए, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? अरे वाह जी। हेलो सिद्धू सर। हेलो कपिल भाजी। हेलो कपिल भाजी, आई एम फ्रॉम US। यस आई नो सर। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों के शोज इन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे। अच्छा। सर, अगर मेरे पास भी ये पावर हो तो मैं आपसे यही मांगूंगा, जैसे आप यहाँ पे लोगों को हंसा रहे हैं। जी, US में इतनी स्ट्रेस है सर, और आपकी वहाँ पे बहुत बड़ी जरूरत है। दुबई जाया हो, UK जाने वाले हो, जी, थोड़ा और आगे आओ सर, जब भी मौका लगे आपका। बाजी, बहुत प्यार दिया इन लोगों ने सबने, और जितने भी वहाँ पे US में लोग हैं, वाकई में स्ट्रेस बहुत है वहाँ पे, क्योंकि हर चीज बाजी ऑर्गेनाइज्ड है। आपको पार्क करनी गाड़ी, उसके लिए पर्ची, हमारे यहाँ पे है ही कुछ नहीं, हम तो कहीं पे भी उतर के निकल के कोई भी कर लिया। पर वहाँ पे सोनी टीवी नहीं आता सर। आता है ना सर, तो लगाया करो। सर, लाइव भी देखते हैं, उसके अगले दिन रिकॉर्डिंग भी देखते हैं सर आपका। हाउ स्वीट, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। हम लोग जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी सर। सर, ऊपर वाला बटन खोल लो, थोड़ी सांस आए आपको, क्या कर रहे हो? खोलिए थोड़ा। मैं साहब ये चाहता हूँ कि मेरी 24-25 साल की एज हो जाए। क्या करेंगे? मैं दीपिका जी को बहुत चाहता हूँ। दीपिका पादुकोण को? हाँ जी, क्योंकि हमारे टाइम पे थी नहीं, अब आई नहीं। तो मान लो अगर 25 साल के हो गए तो फिर क्या करेंगे आप? आपको पक्का यकीन नहीं दीपिका कहेगी कि अरे वाह रोशनलाल 25 के हो गए। क्या नाम है सर आपका? मैं नंदू से, झांसी से आया मैं। तो नंदू जी, आप 25 साल के होना चाहते हैं? हाँ जी। ताकि आप फिर क्या करेंगे मेरे को बताओ। सही, थोड़ा मनोरंजन कर लेंगे फिर से। अभी आपकी क्या एज है सर? अभी सर मेरी 61 है।
61? हाँ जी। पर आप लगते नहीं आप, ऐसा लग रहा जैसे 63 है। जे मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा, नाती है आपके? जी नाती है, जी बेटा है, तीन बेटियां हैं बॉम्बे के अंदर। अच्छा जी। हाँ जी सर, अब रहन दो, बस करो, अभी क्या 25 साल के बाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, तो थैंक यू सर, धन्यवाद। पाजी मैं अभी जाता हूँ, मैं थोड़ा परफ्यूम वगैरह लगा के आता हूँ। जैकलीन आ रही है, आप भी चेंज करके आ रहे हो, थोड़े अच्छे बन के आ रहे हो। चलो पाजी, अक्सर हमारे शो पे हीरो आते हैं, आज सुपर हीरो आ रहे हैं। एक्चुअली ही इज अ वेरी शाइंग पर्सन, बट नाउ ही बिकम्स अ फ्लाइंग पर्सन। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, फ्लाइंग जट मिस्टर टाइगर श्रॉफ एंड माय चाइल्डहुड लव जैकलीन फर्नांडिस। पाजी वैसे एक बात माननी पड़ेगी आपको। क्या माननी पड़ेगी? जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, मेरी और जैकी की। जैकी? Yes. जी। You are looking gorgeous, baby. Wow, thank you. और टाइगर का तो क्या ही कहना पाजी। धन्यवाद सर, थैंक यू। आपको पता पाजी, जब हम लोगों ने पहला एपिसोड यहाँ पे शूट किया था सेट पे, पहला इवेंट हमारा दिल्ली में हुआ और दूसरा एपिसोड जब हमने यहाँ पे शूट किया, उसमें टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर हमारे पहले गेस्ट थे। उस एपिसोड को 1.5 करोड़ लोग देख चुके हैं यूट्यूब पे। वाओ, थैंक यू। पाजी टाइगर की पहली फिल्म आई हीरोपंती, सुपर हिट हुई, फिर आई बागी, सुपर डुपर हिट हुई। क्या यही वजह कि आप तीसरी फिल्म में उड़ने लगे? आई मीन आपकी फ्लाइंग जेट आ रही है। नहीं, बचपन से मुझे सुपर हीरो बनना था, तो जो कुछ भी करता हूँ मैं, हकीकत में मैं अपने आप को ये मान के लेता हूँ कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। तो जिस तरह मैं डांस करता हूँ, जिस तरह मैं फाइट करता हूँ, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह जीना चाहता हूँ। लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ, जैसे कपिल सर करते हैं, एंड यू नो ऑल द ग्रेट आर्टिस्ट्स आउट हियर। मैं तो कभी किसी की हेल्प नहीं करता, मेरी सोनी टीवी हेल्प कर रहा है। लेकिन 80 फ्लाइंग जेट तो यहाँ पर बैठे। अरे क्या बात है, बस वो विक्रम वेताल में आता था ना, वो कहता था मैं उड़ू, बस मेरा उड़ने का ही दिल कर रहा है। हम आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, आइए आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां जैकी और टाइगर के लिए। टाइगर इज लाइक माय यंगर ब्रदर, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है क्योंकि मेरे जैकी दादा से बहुत ज्यादा प्यार है। तो जब टाइगर की फिल्म हिट होती है, जब मैं कोई अच्छी न्यूज सुनता हूँ, तो मुझे लगता है मेरा छोटा भाई जो है वो तरक्की कर रहा है, मुझे दिल से खुशी होती है टाइगर। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं इतना प्यार करता हूँ तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी कर ही सकता हूँ। हाँ। कि टाइगर देखो, साथ में पूरी आपने फिल्म कर दी है ना, तो अभी 1 घंटे का शो है जी, तो थोड़ा अगर आप उधर हो जाते, ये इधर आ जाए तो आपको क्या। अरे I'm just kidding. जैकी, आफ्टर डिशुम यू आर चेंज्ड। कैसे? नथिंग, यू हर्ट मी। ओके, व्हाट डिड आई डू?
मम्मी मम्मी कुड़ी तो खिवाज निकली अच्छा ओके सॉरी धोखा कितना रहने दो पाजी वो डॉक्टर गुलाटी का है कौन मर गया वो उसका नाम मत लो अच्छा इस फिल्म में फ्लाइंग जेट में टाइगर इज प्लेइंग ए सुपर हीरो जिनको ऊंचाई से डर लगता है अभी मैंने इनको रिक्वेस्ट की मैंने कहा भाई हमारा नया शो है अभी काफी लंबा चलाना है तो हमारा सेट मत तोड़ना चुपचाप चल के आओ अच्छे बच्चे की तरह चल के आए असल में टाइगर को किस चीज से डर लगता है टाइगर माँ बाप से वो भी काफी ऊंचे हैं इसलिए जैकी दादा की हाइट का और किस चीज से लगता है आपको जब मैं कुछ कर नहीं पाता सर जैसे कि एक स्टंट हो जाए या एक डांस स्टेप हो या एक सीन हो ये इनका बड़प्पन ऐसा बोलते हैं मैंने आपका डांस भी देखा आपके स्टंट्स भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते हम तो फिर दुनिया में आए नहीं ऐसी पता नहीं क्या करता है ये बंदा सुपर्ब एनर्जी है गॉड गिफ्ट भी होता है ऊपर से आपकी मेहनत है एक पैशन है बचपन से सोच रखा था लक्ष्य और आज आपकी बैक टू बैक पाजी ये तीसरी फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है धन्यवाद मैं पहले बोल रहा हूँ जैकी आपको रियल लाइफ में किस चीज से डर लगता है डॉक्टर गुलाटी से डर लगता है स्कैरी मैं मरवा दूं उसको बोलो सही जैकी जैकी हाउ वाज योर ट्रिप यू वेंट टू मालदीव्स ना जी आंटी के साथ दो दिन के लिए मम्मी के साथ मम्मी के साथ मम्मी ने कहा ना कपिल को भी ले आते नो बोला था लेकिन मुझे पता था कि आप बहुत बिजी है तो इसलिए सॉरी अच्छा हमें बिजी बोल रही खुद हफ्ते में दूसरी फिल्म प्रमोट करने आ गई अच्छा फिल्म में दिखाया कि टाइगर हाइट से डरते हैं लेकिन जैकलीन को किस कर रहे हैं हाइट पे जाके उधर नहीं डर लगता तुम्हें जैसे मैंने कहा मैं डर जाता जब मैं कुछ कर नहीं पाता तो फिर आपने कर दिया तो डर भी गया मतलब जी डर के आगे जीत है बोलते तो डर के आगे जीत है कि डर के आगे जैकी है आप पता जब आप किसी को लाइक करते हो बहुत ज्यादा तो जब तक आपका आई लव यू वाला मामला नहीं ना हुआ कि और कैसे हैं आप अच्छे हैं और खाना खाया कल तब तक मामला सही रहता है उसके बाद काम खराब ही होता है मैंने देखा तो ये वहीं तक ही रहना चाहिए आई लव यू ने काम खराब कर दिया जैकी अच्छा जैकी जैसे कि आपने दो तीन एपिसोड पहले देखा डिशुम की प्रमोशन के लिए यहाँ आई थी आपकी डिशुम बहुत अच्छी सुपर डुपर हिट रही है आपको बहुत बहुत मुबारक और जब वरुण के साथ आई थी तो डिशुम में भी इन्होंने कहीं तो हाइट पे उल्टा लटक के वो इनको किस कर रहा था हाँ इसमें अभी टाइगर ने किया है तो जो लड़के उल्टा लटकते हैं मतलब जो लोग सोफा पे बैठे रहते हैं उनका कोई स्कोप नहीं है नहीं मैं पूछ लेता हूँ ना कल को नेक्स्ट फिल्म के लिए जैकी है तो मैं भी उल्टा लटकाऊंगा सो यू ओनली लाइक फ्लाइंग गाइस लेकिन कपिल आप एक सुपर हीरो भी है व्हाट काइंड ऑफ सुपर हीरो सिटिंग ऑन अ काउच सुपर हीरो अच्छा अक्षय कुमार आपको पता है जैकी जी हमारे शो में आने वाले सबसे ज्यादा बार आने वाले जो बॉलीवुड स्टार हैं वो दो महीने में एक बार आई जाते हैं हाँ। तो आप दो हफ्ते में दूसरी बार आ गई हैं इससे मैं क्या समझूं ओके जैकी आई वाज जस्ट किडिंग यू आर कंफर्टेबल यू वांट टू हैव समथिंग कोल्ड ड्रिंक सम टी चाय नो ये खाली है ओके यू वांट टू हैव सम ग्रीन टी और कॉफी ग्रीन टी मैंने वैसे ही पूछा था है नहीं मेरे पास प्लीज से नो Seriously, you want green tea? One green tea, please. Tiger, आपके लिए? Sir, मैं भी green tea लूँगा. Tiger के लिए भी green tea. Yes, sir. Honey तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं. Plain, plain. आपके लिए? Ginger, नींबू. Ginger? No, I'm joking. अच्छा. काली green tea. Green tea? Put some diamonds. We have a big budget, Jackie. Wow, I'm impressed. और जो cup है, उसपे जरी का काम हुआ होना चाहिए. अच्छा, Jacqueline को लोग Jackie बुलाते हैं. प्यार से टाइगर जब कभी आपको कोई असिस्टेंट डायरेक्टर आके बोलते थे कि अभी सर 15 मिनट बाद आपका शॉट है और आपको जैकी के साथ रोमांस करना है आपको एकदम से पापा का चेहरा नहीं सामने आता हमेशा सर हमेशा तो फिर आप कैसे निकालते थे कि नहीं 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 मुझे तो जैकलीन के साथ रोमांस करना है
जैकी वैसे कभी कभी आए थे, जैकी सर आए थे सेट पे? हाँ आए थे, जब मैं क्लाइमैक्स शूट कर रहा था तो उस वक्त जैकलीन नहीं थी. ओके. तो और दो पिक्चर के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बढ़िया है, तो मैं पापा बुलाता हूँ कभी भी सेट पे. अच्छा. नहीं तो उनके सामने मैं परफॉर्म नहीं कर पाता. अभी अभी तो खुल गए होंगे आप? नहीं नहीं उतना नहीं. नहीं पापा को बोलो पापा बैक टू बैक टू हिट्स एंड थर्ड इज अबाउट टू हिट. किस्मत अच्छी है मेरी बस और कुछ नहीं. बच्चों में तो टाइगर का क्रेज इतना है जैसे जैसे लड़कियों में मेरा नहीं है वैसे. मतलब तू अपने मुंह शादी मुबारक कर ही जा रहा है. तो मैं क्या करूं, इनकी फिल्म तो हो गई कपिल शर्मा शो में प्रमोट, तो मेरी अपनी प्रमोशन कहां पे होगी? ऐसा खराब टाइम आ गया, ये तीखा ही नहीं हो रहा. देखो मैं कितनी ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा तीखा. कैसे मैं किसी को इंजेक्शन दूंगा एज ए डॉक्टर? मेरी चीजें बड़ी घटिया आने लगी हैं सिद्धू साहब. डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? है कपूर शट अप. ये क्या कर रहे हैं आप? अब बिना निडल के इंजेक्शन घिस रहे हैं आप? बिना साबुन के भी नहा ही लेता है ना, तो ये भी तो घिस सकता है ना, तो घिस रहा हूँ मैं. Oh, excuse me. Let me talk to them. Hi, I'm Dr. Mishra. इधर बैठो, उधर के पास नहीं बैठ रहा उसके. इधर बैठिए ना आप. इधर कौन सा सोफा लगा हुआ है भाई? हैं? इधर बिठा रहे हो? चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ. आइए. हाँ इधर बैठिए ना आप. इधर बैठिए, आप हमारे मेहमान हैं डॉक्टर साहब, आप आराम से बैठिए. इधर से कौन बिठाता है यार? अरे आप उधर जैकी आई देखिए, आपकी पता कितनी बदनामी पूरी इंडस्ट्री में. बात तो कर लीजिए, मेरे से बात तो कर लीजिए. वो भी जैकी कह रही थी मुझे डॉक्टर गुलाटी से डर लगता है, आपकी वजह से बदनामी हो रही पूरी इंडस्ट्री में हमारी. इतनी तो मेरी बदनामी तुम कर रहे हो जितनी उसने देखी मेरी. अंडरलाइन कर रहे हो बार बार, अंडरलाइन कर रहे हो बार बार. आपकी वजह से मेरे बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, मैं बता रहा हूँ. मेरे क्या रेपुटेशन रह जाएगी भाई? है ही नहीं तो कहाँ रहेगी बेटो. Hi, Jackie. Hi, Doctor. Hi, Tiger. Hi, Jackie. Stress मत लेना, ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं है, तो रिलैक्स. Okay. Kapil. I'm not taking stress at all. क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? आप एक तो हमारे मेहमान आए, घुस रहे हैं, तो बदतमीजी कर रहे हैं आप. Let me introduce myself. I am Dr. Mashur Gulati, BJP. BJP? ये क्या मतलब? अरे सिद्धू साहब आप अपने मतलब की बात मत कर रहे हो. मैं और क्या करूं? बीजेपी मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान मैं हूँ. इसका मतलब ये है आप तो इनको जानती हैं. Yes, हमें टाइगर को बताओ. टाइगर ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं. Okay. ये बेसिकली क्या करते हैं, जो सिरिंज होती है ना, नीडल होती है, उससे कपड़े सिल लेते हैं और फिर ये तीखा करके उसको मरीज को लगाते हैं. आपको शर्म नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसा मैं तब करता हूँ जब कोई इमरजेंसी केस होता है. इमरजेंसी? अरे बरसाती फोड़े के अलावा कौन सी इमरजेंसी आती है आपके पास? इधर बैठ के बात करिए ना आप. अरे बैठिए डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? यार बैठो, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप फिर वही बात करें. बैठो आराम से बात करो. अरे सॉरी डॉक्टर साहब. डॉक्टर आप हर्ट हो गए. सॉरी. अरे आप हर्ट क्यों हो गए डॉक्टर साहब? आपको मैंने कभी कुछ कहा? ऐसे कौन स्पेसिफाई करता है यार मेरे को. अरे सॉरी सॉरी. ऐसे कौन स्पेसिफाई करता है? अरे सॉरी बाबा, मैंने बोला था आपको. नहीं नहीं बोल लो, मैंने सिर्फ बैठते मैंने स्टैचू स्टैचू. नहीं तुम नहीं हो रे स्टैचू. मैंने खड़े हो गए होना ना स्टैचू. अच्छा ठीक है, लेट मी टॉक. तो या वी वर टॉकिंग यस अबाउट इमरजेंसी केसेस. इमरजेंसी केसेस
इमरजेंसी केस में आदमी रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि वो ढूंढ सके कि हाँ ये इमरजेंसी केस है. जैसे कल एक बंदा आया मेरे को कहते डॉक्टर साहब मेरा पजामा गलत जगह से फट गया. मैंने कहा इमरजेंसी केस है. तो फिर आपने क्या किया? आपने क्या किया? पजामा सिला होगा उसका और क्या? यार आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए टेलर की सिलूंगा. मैंने स्टिचेस लगाए. इमरजेंसी केस. एंड ही वाज फाइन. मैंने एक्चुअली मैंने सुना इमरजेंसी किस. नहीं किस तो फिर आपने मेरे दिल की बात सुन ली ना. कौन नहीं केस कहा था मैंने. क्या कहा आपने जैकी को? मैंने कहा केस. क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैंने पिक्चर किया किस किस को प्यार करूं. वो उसका आधा आया था. आपने अगर फ्लर्ट किया ना जैकी के साथ. नहीं नहीं मैंने एक साइड के बाल काट लिए. मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर हूं भाई, मैं टेस्ट करता हूं. टेस्ट करिए अपना चुपचाप. हाँ मैं जैकी बीइंग अ डॉक्टर सॉरी टाइगर आई हैव टू डू योर टेस्ट बीपी टेस्ट. नॉट आई विल चेक आई विल टेल यू दैट आई विल डू योर बीपी टेस्ट. Yeah, give me your hand. No, no. मेहंदी थोड़ी लगानी है. No. तो से आपका साहब ऐसे बीपी कौन चेक करता है बताइए मुझे. मैं ना करता हूँ ऐसे. ये तो भी कॉमन सेंस तुम यूज ही नहीं करते हैं. I will give you the report. When? आपका बीपी लो है. मुझे इसका इलाज करना होगा. Okay. जैकी आप वहां देखिए एक मिनट. वहां देखिए. कपिल बीपी फाइन है. बीपी ठीक हो गया. बीपी ठीक हो गया. बीपी ठीक. बीपी ठीक. बीपी ठीक. बीपी ठीक. ओके टाइगर आई सॉ द ट्रेलर ऑफ योर फिल्म. Very, very nice, Jackie. It is a superb trailer. Thank you. And I must say, जैसे उसके अंदर आप superhero बने, super power मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा है. अच्छा. कैसे? कैसे? जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मैं अपनी power से आपको 5 feet दूर से 5 feet ऊपर उठा सकता हूँ. अच्छा. Okay. Don't distrust me. Okay. क्या है इसको फटाफट. शुक्र है 5 feet की दूरी से कर रहे थे. 10 feet की दूरी से करते पता नहीं क्या क्या खुल जाता. Wow, I've never seen a superpower like this. Superpower कहाँ से? मैंने तो आप पे चाना. मेरे दादाजी का कच्चा नहीं मिल रहा था. आपने पहना हुआ है वो. हटिया पड़ोसी हैं ये लोग. क्या हुआ डॉक्टर? इसने मेरा अपमान किया है भरी सभा में. मैं आज यहाँ पर प्रतिज्ञा लेता हूँ. इस अपमान का प्रतिशोध मैं लेकर रहूंगा. आगे से थोड़ा सा लेफ्ट राइट लीजिए. एक साथ लेफ्ट राइट कौन लेता है? अरे डायरेक्शन और कोरियोग्राफी दोनों साथ में कर लेते हैं. तो क्या हम कुछ बोले? चलिए कोई बात नहीं उतर जाते हैं. आइए आइए. वैसे भी हमारी डेस्टिनी आ गई है. ए डेस्टिनी नहीं डेस्टिनेशन होता है. लेकिन हमारी तो डेस्टिनी है यहाँ. ये कौन है? नहीं सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कौन ये है? कौन okay, okay. पहले रेमो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. रेमो सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है.
रमेश सर एक बात बताइए, आपकी सारी फिल्में हिट जा रही हैं, तो आप ये ट्रैक्टर क्यों खींच रहे थे? मैं एक्चुअली सुधुपा जी ये दोनों मुझे छोड़ के आ गए थे, मैं वहां भटक रहा था, मैंने इनसे बोला कि मुझे यहाँ जाना है, खुद पीछे बैठ गया मेरे को यहाँ से यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ। और इनको मैं वही सोचू यार, इतना बड़ा ट्रैक्टर, उनको ट्रैक्टर खींचने की क्या जरूरत है? ए झूठा है। और पहले तो आप जरा अपना एडुकेशन ना बचपन में थोड़ा अपने शरीर में घुसेड़े होते तो आपको पता होता कि ये ट्रैक्टर नहीं है, रिक्शा है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। रिक्शा के ऊपर ट्रैक्टर क्यों खींच रहे थे? हम ट्रैक्टर हैं, हम पे इसका फट 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 की आवाज आती है। तुम खुद ही क्लियर कर रही हो तुम्हारे कहाँ कहाँ से क्या क्या आवाज आती है, पागल कहीं की। एक एक काम कीजिए, हम रिक्शा में आपको यहाँ पर लेके आए हैं, चलिए रिक्शा का भाड़ा निकालिए, 2 लाख रुपया। हेलो। हेलो, हाय, हाउ आर यू? शट अप। ये बहुत भोली, ऐसे नहीं जाएगी, इसके मुंह पे एक गर्मा गर्म फ्लाइंग किक मारी ना। एक मिनट रुकिए, ये आदमी को हम जानते हैं, ये लड़की को आंख नहीं मारते, फ्लाइंग किक क्या मारेंगे। बहुत ही सीधे साधे आदमी है, इनका नाम तो टाइगर श्रॉफ नहीं, टाइगर शरीफ होना चाहिए। और जितना तुम 16 तरफ से बढ़ रही हो ना, तुम्हारा नाम संतोष नहीं असंतोष होना चाहिए। देखिए हमारे साइज से हमको खुद को जितना प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम आपको है, ऐसा क्यों? हम क्या अपना पेटीकोट सिलने के लिए दिए हैं आपको? साइज 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 लगा रखे। अरे संतोष तुम खड़ी क्यों हो? भागो ना यहाँ से। क्या तरीका है बात करने का? अरे मैंने कहा आप खड़ी हैं, भाग लीजिए थोड़ा। अरे क्यों भागे हैं? देखिए यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ, रेमो सर आइए, रेमो सर को चेयर पे नहीं बैठना, उनके प्रॉब्लम है, आइए आप बीन बैग पे बैठिए, आइए चलिए उधर। आपको इसलिए कहा था, आप रिक्शा में बिठा के ले आए उसको। पर आपको बताएं, हमने ना बैली डांसिंग सीखे हैं, दिखाएं आपको? पहले ये ट्रैक्टर पीछे करो आप। बैली डांसिंग? अभी तो इसने नॉर्मली किया है, कभी जोर से करती तो फाड़ के निकल जाता है। बैली डांस कौन सा आता है आपको? ए देखिए। ये बैली डांस है? ये तो बैल डांस हुआ ना, ये तो बैल थक गया यार, जूस निकालते निकालते। ये क्या है, अपने दिमाग में मुक्का मार के खुद ही टेढ़ी हुई जा रही। इसको बैली डांसिंग नहीं कहते हैं? नहीं। अरे तो लगता है वो दामोदर डांस अकेडमी हमें कुछ गलत सिखा दिया। चलिए चलिए, जाने से पहले एक सोशल संदेश देना चाहते हैं। टाइगर जी आप जरा इधर आएंगे। देखिए टाइगर जी, ये सच है कि आप दाढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। लेकिन बिना दाढ़ी के आप बहुत क्यूट लगते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज शेव द टाइगर। चलिए हम चलते हैं। थैंक यू। ओके जी, नमस्ते नमस्ते, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। हम अपना रिक्शा लेकर जा रहे हैं। एक बार रेमो सर जैकी और टाइगर के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। हमसे इतनी दूरियां जैकी? दो दो। सर मैं आपके आने से पहले मुबारकबाद दे चुका हूं जैकी और टाइगर को। आपका ट्रेलर बहुत ही कमाल का सर। थैंक यू सर। रेमो सर मेरे को एक्चुअली थोड़ी सी ऐसी दिल की बात करने चाहता था कि आपको डांस के ऊपर ही फिल्म बनानी चाहिए थी, आपको रोमांटिक फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी आपने, बिकॉज जैकी और टाइगर का जो किस करवाया, मेरे ख्याल से जनता काफी नाराज है उस चीज से। जनता नाराज है? जनता, जनता में काफी रोष है उस चीज को लेकर। दिख रहा है वो। आप मुझे जनता समझ रहे हैं? मैं भी जनता का ही पार्ट हूँ। और उस किस सीन में ना, do you want to tell them the story? हाँ। रेमो कट भी नहीं किया, कहा। एक्चुअली मैं बता दूँ, उनको मजा आने लगा होगा ना। आदमी क्यों कट करवाएगा? क्या था कि सीन था और मैंने कहा था कि आप लोग क्लोज आना, अब मैं कट बोल दूंगा, अब जितना क्लोज आएंगे उतना मैं कट बोल दूंगा, लोगों को आजकल लग जाता है ना कि क्लोज आया किस। जी जी जी। अब मैंने रोल कैमरा का और मैंने कहा
एक्शन, ये लोग दोनों क्लोज गए, हमें देखता था, क्लोज गए क्लोज गए, इन्होंने कट सुना ही नहीं, हमने कट बोला ही नहीं. और अच्छा, आपकी एक गलती की वजह से किसी पूरे परिवार को इस समय ईर्ष्या हो रही. मम्मी ही इज द गाय. और रुके नहीं, उसके बाद हटे भी एक बार किस किया, उसके बाद वापस हटे, फिर उन्होंने देखा कि कभी भी कट नहीं बोला, तो फिर वापस किस किया. ध्यान से देखिए इस इंसान का चेहरा. बोला भाला दिखने वाला ये प्राणी डायरेक्टर के कट को अनसुना कर देता है जब सीन मनचाहा हो. सर, इस फिल्म में आपने टाइगर को मेन लीड में लिया है, तो डांस और एक्शन तो ये खुद ही संभाल लेते होंगे, तो आप क्या सेट पे जैकलिन को संभालने गए थे? मतलब भाभी सॉरी, ऐसे हमारी भाभी जी भी यहाँ पे हैं, और सॉरी कह सकता हूँ मैं. अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है भाभी, जब से रेमो सर की फिल्में धड़ाधड़ बैक टू बैक हो रही ना, आपका ग्लो बढ़ता ही जा रहा है. भाभी, हाउ आर यू? गुड. फाइन फाइन. आप बहुत प्यारी लग रही है हमेशा की तरह. थैंक यू. आप जाती थी सेट पे कि नहीं शूट पे? या. वो हमारी को प्रोड्यूसर हैं. सो बाय डिफॉल्ट यस. तो जो आपकी पहली फ्रेंड्स थी, उनसे भी आप बात करती हैं कि नहीं करती? नहीं होता ना कभी. प्लीज, माय हस्बैंड इज डूइंग वेरी वेल. सो यू, आपकी पुरानी फ्रेंड्स वही हैं भाभी? एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड अहमद खान की वाइफ है जी, जो बाय लक वी आर जस्ट अ फ्लोर अपार्ट. तो एक्चुअली रेमो और अहमद दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं. अच्छा. क्योंकि हम लोग पूरा टाइम बात करते रहते हैं. बहुत अच्छी बात है, आप पूरा टाइम बात करते हैं, तभी तो ये फिल्म डायरेक्ट कर पाते हैं. अगर आप पूरा टाइम इनके पीछे रहे तो ये फिल्में कब बनाएंगे? ओके, हमारी भाभी के लिए जोरदार तालियां. पाजी, आपको पता है रेमो सर ने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी फालतू. फालतू फिल्म का नाम था और बड़ी हिट फिल्म थी. जस्टिफिकेशन देने की क्या जरूरत पड़ी थी? नहीं, मैं बता दूं, मैं कि आप फिल्में कम देखते हैं इसलिए. फालतू बड़ी हिट फिल्म थी, तो सर आपने उसी समय सोच लिया था कि जब फालतू फिल्म हिट हो गई तो डांस वाली तो होएगी होएगी. मैं किसी को भी बोलता था कि मेरी आपकी पहली फिल्म कौन सी है, मैं बोलता था फालतू. नहीं नहीं, अच्छी फिल्म बनाई होगी, कौन सी. पर वो वाकई बहुत बड़ी हिट फिल्म थी. हाँ, तो वो चल गई. उसके बाद नहीं, उसके बाद भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा सेकंड फिल्म के लिए, एबीसीडी के लिए. एबीसीडी के लिए और फिर एबीसीडी 2. फिर एबीसीडी 2, उनमें एक बहुत अच्छे काफी पॉपुलर है, उनका एक कैमियो भी था. यस, बहुत बहुत पॉपुलर और बहुत ही मेरे लकी. ही इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर. टैलेंटेड है बहुत सर. देन व्हाई डोंट यू? दो लोग हैं सर, दो लोग हैं. हाँ, इनको भी नहीं पता होगा, उनको बता दो पहले. एबीसीडी 2 में आप और मैं दोनों भी हैं एक सीन में. हाँ, याद आ गया. याद आ गया. आपको पता ही नहीं कहाँ कहाँ फिल्में कर रहे हैं आप, इतने पॉपुलर. अभी रेमो सर ने डांस की फिल्में दो बनाई, डांस के ऊपर बेस्ड, एबीसीडी और एबीसीडी 2. फिर उसके बाद अभी रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी, काफी कुछ है इस फिल्म में, बहुत कुछ है. तो आप डांस के बहाने पहले डायरेक्शन में घुसे, अभी डायरेक्शन के बहाने आप रोमांस में घुस रहे हैं. तो सर, और कितने दूर तक घुसने का इरादा है? आई मीन कॉमेडी फिल्म वगैरह आप कब बना रहे हैं? बहुत जल्दी. और मेरे पास एक एक्टर भी दिमाग में है. सर पहले बता देना, ही इज वेरी बिजी गाय. अरे मैं आपके पास क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं भाभी? हाउ आर यू? जिंदाबाद. Emergency case. Emergency case. Rati shot. मैं पागल कहेगा. क्या हुआ उसको? उसके बेबी हुआ है. पागल है वो. सुपर हीरो बनने की तैयारी कर रहे हो?
सुपर हीरो उनको ऐसा लगता है कि सुपर हीरो बन सकते हैं. असली सुपर हीरो जो हैं वो रेमो सर हैं जिन्होंने टाइगर से इतना बुलवाया फिल्म में. नहीं तो टाइगर बहुत कम बोलते हैं जैसे इनका स्वभाव है. तो ये जैकी आप मतलब एक होता है लड़का शाही है चलो सबसे कम बात करता है लेकिन जब कोई नहीं बैठा हो खूबसूरत लड़की बैठी हो आपके जैसी तो आदमी कोई तो बातचीत करता ही है कि ये आप लेंगी कुछ. ऐसा कुछ भी नहीं बात करते थे ये. नहीं. कॉस्ट्यूम पहनते ना तो सीन्स के बीच में टाइगर सेट पे नहीं है एक्चुअली वैनिटी में है. अच्छा. और आई थिंक बाथरूम जाते हो और ना कॉस्ट्यूम निकालते हैं. सो एक्चुअली कॉस्ट्यूम भी ऐसी ना उसके जिप भी नहीं लगी होती ना कुछ नहीं हो काफी मुश्किल है सुसु करने का कॉस्ट्यूम में. एक्चुअली आदमी नॉर्मली आप मतलब अभी इस पे क्या बहस कर रहे हैं अब इस मुद्दे पे. आपको ए टू जेड सारा ही निकालना पड़ता है क्योंकि अंडरवेयर भी पैंट के ऊपर है. अच्छा रेमो सर ऐसे क्यों होता है जितने भी हम सुपर हीरो कहानी देखते हैं इनके सबके एक तो कॉस्ट्यूम डिफरेंट होते हैं ऊपर से सुपरमैन होता है कौन जिनके अंडरवेयर ऊपर होता है चड्डी. ऐसे क्यों होता है सर मतलब लुंगी में क्यों नहीं आ सकता सुपरमैन. सर उड़ना पड़ता है ना. अब सोचो अब उड़ेगा तो लुंगी कहाँ जाएगी सोच के देख. नहीं ऊपर से क्या है कि चलो लुंगी उसने टाइट भी बांध दी जी बट हम तो नीचे से देख रहे हैं ना. सही बात है फिर जब सब दिख ही गया तो फिर काय का सुपर हीरो. डॉक्टर सुपर हीरो अब मैं रिवेंज लेके ही वापस आऊंगा जैकलीन. उससे पहले नहीं कपिल शर्मा. Jesse, I have superpower. ये कौन ये बार में डांस करने जा रहे हैं आप? कौन सा सुपरमैन होता है ऐसे? कौन सा सुपर हीरो होता है ऐसे? I am Doctor Man. Flying jet. मेरे रास्ते से हट. Flying Marwadi. No clapping. I want to challenge you. Whoa! Flying jet, 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 flying jet. पहले आप कुछ करके दिखा. अब नहीं होगा अब रस्से खोल दिए ना. ज्यादा से ज्यादा क्या पजामा खोल दोगे और क्या करोगे आप? पजामा मैंने पहना ही नहीं हुआ. Come on, tiger. Yeah! Thank you.
आप भी मारो ना कलाबाजी ऐसे टाइगर की तरह। तो मैंने और क्या मारा ये? एक मिनट। देखना तुमको कहीं चोट ना लग जाए। ओ। आप भी ध्यान रखना मरना जाना। हार्ट इधर रहता है। बहुत है मेरे में। यहाँ पे मेरे किडनी है। Touch me hard. Jacqueline, you notice. I am here. I'm watching you. Yes! Whoa. Whoa. I'm good. Nahi hua. Jacqueline, you see nothing happened to me. Come on! Come on! लड़कियों की लेगिंग्स पहन के आए तभी कुछ नहीं हो रहा आपसे। Hit me hard, baby, hit me hard, Jacqueline, you're not us. Doctor Man? I hope you are impressed. Doctor Man, मैं बहुत impressed हूँ. Nothing happened to me. आप जिंदा हैं. Thank you. Where are you, Jacqueline? Doctor Man, मेरे साथ आइए. हम कौन खाएंगे साथ में? I will love it. हो गया, बड़ा इनको हो गया, खत्म। मेरे को बड़ा मजा आया। जैकलिन ने मेरे को मारा, मेरे को बड़ा मजा आया। बस एक ही प्रॉब्लम है, मेरे को दिख नहीं रहा अभी जैकलिन है कहाँ पे। See you, Jacqueline. See you, Tiger. Hope you love the challenge. And Ramu, sir, you. Bye, Doctor Man. टाइगर को एक्चुअली बिकॉज इनकी फिल्म जो है वो रिलीज होने पे है और बहुत सी जगह पे इनको जाना है, सो अभी इनकी थोड़ी देर में फ्लाइट है, टाइगर पहले जा रहे हैं। वैसे आपने हमारे शो पे आ गए, इससे ज्यादा कोई आपको करने की जरूरत नहीं थी। पर ब्रो, गुड लक वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। टाइगर जाने से पहले एक सेल्फी हम लोग अपने सारे गेस्ट के साथ लेते हैं। रेमो सर, जैकी कम। रेमो सर, थोड़ी ठुड्डी कट रही है आपकी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैन, लव यू भाई, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बैठिए सर प्लीज। तुम्हारा फ्लाइंग जेट तो उड़ गया, मैं नहीं उड़ने वाला। गया, मैंने भेजा है। हेलो कपिल, मैं हूं यहाँ पे। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। यस प्लीज। तो सर, आपको अगर सुपर पावर मिल जाए, आपने बताया नहीं, आप क्या इस्तेमाल करोगे इसका? मैं, मेरी बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि अगर आपको सुपर पावर्स मिल जाए तो आपके क्या ड्रीम्स है वो पूरे करोगे? मेरे ड्रीम्स सर, ऊपर वाले की दुआ से शो अच्छा चल रहा है, एक फिल्म की है खासी अच्छी हिट रही, एक और कर रहा हूँ, बस भगवान का दिया सब कुछ है सर, क्या करना है बस। मैं जानता हूँ तेरा सपना। मेरा सपना? आप कैसे जानते हैं? मैंने देखा है तेरा सपना। अपना तो देखते देखते दूसरों को भी देख लेते हो। कमाल है। तो बताओ मेरा सपना क्या है, बताओ। आंखें बंद कर, मैं दिखाता हूँ तुझे तेरा सपना। पक्का? हाँ।
भागना जाना सबको लेके? नहीं पक्का ना? हाँ कहाँ रह गई यार? मेरी बारी बड़ा मौत पड़ गई, बड़ा जल्दी बंद किया। हाय कहाँ रह गई तुम? प्लीज बैठो ना। पप्पू। यस बेबी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो भी कहना हिंदी में कहना, पता आई लव यू के अलावा मेरे को अंग्रेजी में आता कुछ नहीं। ठीक है पप्पू, मम्मी ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है। तुम्हारी मम्मी दोबारा शादी कर रही है? नहीं नहीं, हमारी शादी के लिए हाँ बोल दिया है। ऐसे नहीं लग रहा तुम ड्रीम में बहुत फास्ट आगे जा रही हो बेबी? कप्पू, प्यार में टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कप्पू, विल यू मैरी मी? इस अंगूठी के लिए तो मैं रोज शादी कर सकता हूँ। आई मीन तुम्हारे लिए तो मैं आई विल मैरी यू बेबी। अरे कप्पू, आखिर तेरी शादी हो गई। हाय कितनी सोनी बहू है तेरी, तुझे नजर ना लगे। सारी बला मुझ पर फेंक दिया आपने। तेरी बला से? तुझे पता है जैकलीन, बचपन में जब मेरा कप्पू दीवारों से चूना चाटता था ना, तभी मैं समझ गई थी कि बड़ा होके ये अपने लिए गोरी चिट्टी दुल्हन ले आएगा। अच्छा नानी, दो मिनट बकवास बंद, एक फोटो लो। खैर शादी वादी तो हो गई, भाभी के साथ एक सेल्फी तो बनती है। तेरी बहन की शादी, हाथ क्यों रख रहा है उसमें? मतलब आपका सपना था उनके साथ शादी करने का, तो हमें सपने नहीं आते क्या? तेरे को तो सपने में भी नोटिस आते गवर्नमेंट के, कभी पानी कट गया कभी बिजली कट गई। खबरदार हाथ लगाया तो। बाय द वे, पहले आपको पता नहीं है कि कप्पू की शादी मेरी बेटी से होने वाले थे? हाँ, बट थोड़ी सी छोटी रह गई। बेटी की हाइट? नहीं, एंगेजमेंट की रिंग। ओ डॉक्टर साहब, पीछे बुफे लगा है। हाँ हाँ, चार बर्तन धोई और निकली है। ऐसे लोगों को तो सपने में भी नहीं घुसने देना चाहिए। गेट आउट। मेरे इंसल्ट कर रहे हो सपने में, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दुआ की जगह बद्दुआ दे दूंगा। यही कि तुम्हें जैकलिन के शक्ल में भी चंदू की शक्ल दिखाई दे। अरे जा जा, बढ़ाया बद्दुआ देने वाला, तू मेरा बेटा है, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ बेटा। दूधो ना फूतो बोलो, बस स्वागरात पे कॉन्सेंट्रेट कर, समझा? और सुनो ए बुढ़ाओ, खबरदार जो कोई इसके ड्रीम में घुसा तो चलो हटो, चलो यार ड्रीम में भी चलो, चल चलो यार मेरी चल। मेरा फर्स्ट टाइम है ना, मैं स्वागत मनाए। शक्ति देना। सासू माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ क्या करने का मतलब क्या होता है? मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं सोती है, तू जहाँ कोई और जगह ढूंढ ले। सासुमा, ये दूध मेरे लिए था, अब जाओ जाके अपनी खांसी की दवाई पियो।
नहीं नहीं मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। ससुर जी से बड़ी दाढ़ी मुझे रखी डर लगता है आपको? निकलो बाहर। निकल रही हूँ, निकल रही हूँ, निकल रही हूँ। वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा आपको, सुहागरात पे कोई इतनी बातें करता है क्या? उल्टा सुहागरात पे जीरो बातें की जाती हैं, पता है आपको? तुम बैठ के नीचे क्या कर रही थी? तुम बैठ के नीचे क्या कर रही थी? मैं जूते चुराने आई थी। जूते तो तुमने चुरा लिए थे मेरे शादी वाले दिन ही। हाँ लेकिन आपके फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं जैकलिन के चुराने आई थी। बदतमीज आदमी, स्वागरात के दिन ये क्या चल रहा है? ये नीचे से कोई निकल रहा है बेड के नीचे से? हाँ स्वागरात का ये लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। मेरी एक बात बताओ पहले, बाकी दोनों सीन में आए नहीं, सीन में घुसने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे भी अपनी डायरेक्शन जा रहे, मैं नहीं करता यार। चल बेटी चलो बाय। एक बार जोरदार तालियां रेमो डिसूजा और माय क्यूटेस्ट जैकी के लिए। वैसे रेमो सर आपको नहीं आना सीधा, इस सीन में आ जाते, इसमें आ जाते। वी स्पेंट अ लॉट एंड यू स्पॉइल्ड माय होल नाइट, माय फ्यूचर, माय करियर, व्हाट अबाउट एवरीथिंग? एवरीथिंग, व्हाट अबाउट हर? आई से अब बेड लगी गया है। ये ऐसे रोज दुपट्टा लेके वेट करती, कोई आएगा ठीक नहीं तो चली जाती है। एक बार रेमो सर और जैकी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर हमें बहुत मजा आया हमेशा की तरह, आप जब भी आते हैं, आप भी जब आती हैं जैकी, तो चार चांद लग जाते हैं हमारे शो को। सर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, गुड लक जैकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप जाइए, अपने परिवार वालों को लेके जाइए, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जाइए, जो फिल्म समझते हैं उनको मजा आएगा। और एक्शन फिल्म है, रोमांस भी है, इसमें कॉमेडी भी है, बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। सो इंजॉय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मजे करते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।